सभी को नमस्कार प्रणाम। ये वीडियो बहुत ही मजबूरी में और होशोहवास में बना रहा हूँ। ये वीडियो उस दोगले के लिए है जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है। उसका नाम है सन ऑफ दोगला, सन ऑफ दोगला ऑफ बिहार। उसको जो बोलिए, बीजेपी का सन है वो, सन ऑफ बीजेपी है वो। उसको जितना गाली देना है दे सकते हैं, उसके लिए गाली कम पड़ जाएगा। ये दोगला कल स्टेटमेंट दिया है कि पटना मुसल्लपुर हाट का जो टीचर सब है और टीचर स्टूडेंट को भड़का रहा है, या स्टूडेंट जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है और दंगा कर रहा है। अरे दोगला, कहाँ पे स्टूडेंट दंगा किया? अरे दोगला, तुमको कहाँ दंगा दिख गया? स्टूडेंट कहाँ पे सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहा है? स्टूडेंट मांग करेगा तुम्हारे घर में जाके, तुम्हारी फुआ से मांग करेगा कि तुम्हारी मौसी से मांग करेगा? अरे दोगला, तुम हमको इसका जवाब वीडियो में लिख के दे देना। तुमको हम बता रहे हैं, तुम्हारे साथ में जितना मंत्री चटिया घूमता है सबको जूता का मार लगेगा बिहार में, ठीक है? और जिसको जितना पुलिस प्रशासन लगाना है लगाए। यहाँ पे जब कोई स्टूडेंट कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया तो टीचर पे ब्लेम क्यों लगाया, स्टूडेंट पे ब्लेम क्यों लगाया? तुम साले सारे नेता और दोगला के चलते में पूरा मुसल्लपुर हाट का कोचिंग बंद है, वहां पे स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहा है वहां पे। और पुलिस प्रशासन को भी ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है कि मारो। किस आधार पे मारा जा रहा है? कोई आधार है जिस पे आप स्टूडेंट को मार रहे हैं? आपको सरकार कह रही है मारो तो मारो, क्या आतंकवादी है जी? पूरा मुसल्लपुर हाट में धारा 144 लगा के क्या घोषित कर रहे हो? पटना में आतंकवादी हमला हो गया है जो इतना एकदम की इमरजेंसी घोषित कर दियो, वहां पे किसी को बोलने नहीं देते हो, कोई बोलता है तो उसको उठा लेते हो। गांधी मैदान में मोना सिनेमा के सामने एक लड़के को इतना मारा है, अशोक कुमार सिंह नाम का डीएसपी। किस प्रकार का वर्दी का आप अपना रौब दिखा रहे हैं वहां पे? किस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे? आप अपने लाठीचार्ज कर रहे हैं वहां पे? हम लोग भी पटना में ही रहते हैं, आइए हम लोग से डिबेट करिए, उठा के ले चलिए, देखते रहे क्या अधिकार है आपको। कोई अपना विरोध कर सकता है या नहीं कर सकता, ये संवैधानिक है या नहीं है? भारत में विरोध करना संवैधानिक है या नहीं है? या संविधान ही खत्म हो चुका है? बीजेपी तो वैसे ही सारा संविधान खत्म करते जा रही है, रेलवे की भर्ती खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है लोगों को? हम लोग क्या दिखते हैं? यहाँ पे सी लिखा हुआ है दिमाग पे हम लोगों का। क्या क्या समझ में आता है लोगों को इससे? रेलवे की भर्ती 5 साल 6 साल में नहीं दी सरकार ने, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उसको 64,000 65,000 जैसे 2019 में भर्ती 18 में आई थी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की, वैसी ही भर्ती अभी भी आनी चाहिए रेलवे टेक्नीशियन की। तो सरकार के जो एजेंट, अब तो सब एजेंट है, सरकार की जितनी संस्थाएं हैं सरकारी सब सरकार का एजेंट हो चुका है, पुलिस भी सरकार का एजेंट हो चुका है। अभी सरकार का दायित्व तो क्या था कि इलेक्शन पे तो भर्ती देती है ये हम लोगों को गुमराह करने के लिए, जब भी इलेक्शन आएगा तभी भर्ती दिया जाएगा। तो जब भर्ती दोगे तुम इलेक्शन में तो पूरा 5 साल का डेटा का भर्ती दो, जैसे तुमने 64,000 एएलपी टेक्नीशियन दिया था, ग्रुप डी दिया था 1 लाख, वैसा भर्ती दो। और तुम भर्ती बोलोगे कि 5,000 देंगे हर साल देंगे, तो तुम ये बात वर्ष 2019 में जब रेलवे की वैकेंसी आई थी उस समय तुमने क्यों नहीं नोटिस किया कि मैं हर साल दूंगा? तुम 5 साल रोक के दोगे? ये बीजेपी गवर्नमेंट बेवकूफ समझती है सबको। ये बीजेपी गवर्नमेंट जब तक रहेगी किसी को नौकरी नहीं होने वाला है, सब ऐसे ही मर जाओगे, हम लोग भी ऐसे ही मर गए, आप लोग भी ऐसे ही मर जाओगे। आज जितने भी पटना के मुसल्लपुर हाट स्टूडेंट टीचर हैं वो भी अपने जमाने में कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे, उनके साथ भी गुजरा है, आज आप लोग के साथ गुजर रहा है। ये सरकार आप गिरा दो, कहीं भी किसी भी तरह का किसी भी संपत्ति का नुकसान मत करो, बस 2024 अप्रैल में इनका जवाब दो, ये सरकार गिरेगी अपने आप समझ में आ जाएगा सबको। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट भूमियार लाला ब्राह्मण राजपूत यादव बनिया के नाम पे टूटे हुए, अभी भी समय है, बता रहा हूं। आप जिस भी जाति से आते हो इनका विरोध करो, नहीं तो नौकरी नहीं हो पाएगी, बता दे रहा हूं। जाति जाति के नाम पे ये लोग करके, ये साला जो दोगला है, दोगला सन ऑफ बिहार कहता है अपने आप को, ये दोगला दिन भर माइक लेके आरजेडी के सरकार में दिन भर खाली कमियां दिखाता रहता है। बीजेपी इसका बाप है, बीजेपी पे कुछ नहीं बोलता है। कल क्या कह रहा है? अच्छा अच्छा, हमें तो रेलवे आयोग बोर्ड ने कहा है कि हम हर साल भर्ती, तुम्हारा बाप है रेलवे आयोग बोर्ड, तुम्हारे पास से चलेंगे साले। तुम टीचर के बारे में बोला कैसे रे दोगला? 8 तारीख को दोगला तुम पटना में रहना, पटना में तुम आके यही बात मुसल्लपुर हाट में सब्जी मंडी के सामने तुम बोलना, तुमको जूता से नहीं मारे सबके सामने तो हम अपना नाम बदल देंगे। तुम यही बात वहीं पे बोलेगा कि टीचर भड़काया है, नहीं बोला ना दोगला, तो तुम माइक पे बोलेगा रे? तू बहुत बड़ा पत्रकार हो गया, साले 17 को वोट तुमको बेतिया में आया था, तुम चुनाव लड़ा था मुखिया का, हार गया, इंजीनियरिंग करके तुम मुखिया का चुनाव लड़ता है, पहले इंजीनियरिंग करता है फिर जाके पत्रकार बनता है, तुम छपरी वाला यूट्यूबर वाला, फिर जाके तुम नेता बनता है। साले तुम जिंदगी में कभी सफल हो पाया?
जिनका छाती पीटते रहता है, ऐसे ऐसे करता है दिन भर एकदम की हमारा बाप फौजी था, हमारा नाना फौजी था, हमारी मौसी फौजी थी, है साले किसका बाप फौजी नहीं है रे, तुम दिन भर तुम्हारा क्या औकात है, तुम अपने दम पे क्या किया साला, झूठ सांच बोल बोल के तो तुम दिन भर खाली यूट्यूबर पे यू बढ़ाया है बैठ के, तुम बेवकूफ बना, तुम्हारा तेजस्वी यादव बहुत अच्छा रिलाई किया था, तुम्हारा फिर रिलाई होगा तुम्हारा बढ़िया से, अबड़ी बार तुम्हारा रिलाई जूता से होगा, तुमको सड़क पे मारा जाएगा, तुमको लगता तुम्हारे मुंह में बोली है रे दोगला, तुम दिन भर झपर 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 कर लेता, तुमसे ज्यादा भी बोलने वाला सवा शेर है, मुहुआ में कुछ देंगे बांस, साले ने इतना आज के बाद से टीचर के बारे में कुछ बोला मुसलपुर हाट में, अब पहुंचना तुम्हारा साला वही गमछुआ पकड़ के वही पटक के तुमको मारा जाएगा, अगर आज के बाद से टीचर के बारे में सुन लिया, तुमसे यही लैंग्वेज में बात होगा, तुम्हारे लिए ही वीडियो बनाया, मुहुआ हमारा चिन लो, तुम आना 8 तारीख को, तुम मुसलपुर हाट में खड़ा होकर अपना वही स्टेटमेंट बोलेगा जो तुमने बोला था कि टीचर भड़काता है, ये लैंग्वेज तुम 8 तारीख को बोला, तुमको वहां नहीं मारा गया तो तुम कहना खाली, साला दोगला कहेगा तुम बीजेपी का एजेंट है रे दोगला, तुम एजेंटगिरी करने आया रे भड़ुआ, तुमको साला शर्म आता है रे, तुम साला झूठ सांच बोल बोल के यूट्यूब पे व्यू बढ़ा लिया और तुम अभी नौटंकी करता है, तुम्हारे लिए खाली इतना ही वीडियो है, हम मैं हूं नहीं यहाँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, आऊंगा ना 8 तारीख को, तुम आना खाली, तुम कदम रख दो, यही बात बोलना तुम जो बोला था कल का वीडियो में, आ तुम टीचर का थंबनेल लगाएगा रे, तुम एसके झा का थंबनेल लगा के बोलेगा कि एसके झा भड़काते हैं, अरे तुम बोलेगा तुम एसके झा का बराबरी करेगा, तुम टीचर का बराबरी करेगा, तुम बिपिन यादव का बराबरी करेगा, साला गवार, तुम साला जिंदगी में कुछ किया है रे, है तुम साला जाके इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मुखिया का चुनाव लड़के हार गया, तुम फिर पत्रकार बनके लोगों को बेवकूफ बनाया, गरीबों का मसीहा, तुम ही साला गरीबों का मसीहा हुआ है, बिहार में इतना इतना नौकरी आया तोरा बाप देने गया था रे, कि तेजस्वी या नीतीश कुमार दे रहे थे, तुम्हारा बाप आया था भर्ती देने के लिए, साले दोगला कहीं का, साला तुम वो दोगला है जो अपना काम निकालने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाता रहा है जिंदगी भर बैठ के, और जब तुम्हारा यूट्यूब चैनल चमक गया तो फौजी का बेटा हूं साले तुमको जाने ले लेंगे साले, नहीं तो हमारे सामने तुम आके खाली यही बतवा बोलना, तो टीचर के ऊपर में, तो टीचर के ऊपर के आज के बाद से कमेंट नहीं आना चाहिए तुम्हारा, आ गया तो वहीं पटक पटक के मारेंगे मौसलपुर हाट में, ध्यान रखना, बता रहे वीडियो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है मेरे लिए।